हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे के ग्रुप डी की पोस्टों पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये खास वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रेलवे में निकलने वाले ग्रुप डी की पोस्टों से संबंधित विस्तृत जानकारी, साथ ही बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं पद, कैसे करेंगे इन पदों के लिए आवेदन, क्या होता है इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो आइए जानते हैं कि रेलवे के ग्रुप डी की पोस्टों पर होने वाले कम्प्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब आइए जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी की पोस्टों में कौन कौन से होते हैं पद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के विस्तृत क्षेत्रफल में पहले विशाल नेटवर्क के स्मूथ संचालन के लिए रेलवे में ग्रुप डी के तहत बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाती है। ग्रुप डी के तहत जिन पदों पर भर्ती की जाती है उनमें शामिल है गैंगमैन, हेल्पर, स्विचमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, केबिनमैन, लीवरमैन, पॉइंट्समैन, शंटर, कीमैन, वेल्डर, फिटर, पोर्टर और ट्रैकमैन मेंटेनर। रेलवे समय समय पर इन पोस्टों पर योग्य और कुशल युवाओं की नियुक्ति के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। आइए अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इच्छुक उम्मीदवार ग्रुप डी पोस्टों के लिए अपने क्षेत्र के रेलवे जोन से संबंधित रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन से प्राप्त की जा सकती है। उम्मीदवारों को चाहिए कि वे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर यह जान लें कि एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सहित उम्र सीमा और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। अब जानते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के तहत अलग अलग पोस्टों के लिए 10वीं पास या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NAC या मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI होना चाहिए। अब जानते हैं ग्रुप डी पोस्टों के लिए क्या होती है उम्र सीमा। उम्मीदवार की आयु 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि सरकारी मानदंडों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अब जानते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी के पोस्टों के लिए चयन प्रक्रिया 3 चरणों पर आधारित होती है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहला फेज होता है, जिसमें कैंडिडेट को रिटन एग्जाम से गुजरना होता है, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में प्रश्न मुख्यतः मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। कैंडिडेट्स को सचेत रहना चाहिए क्योंकि गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। चलिए अब जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट राउंड के लिए कॉल किया जाता है। इसके अंतर्गत पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में पूरी करनी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम के वजन को उठाकर 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में पूरी करनी होगी और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। अब जानते हैं कि ग्रुप डी की पोस्टों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। CBT और PET को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए बुलाया जाता है। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के समय दिए गए सर्टिफिकेट्स की जांच की जाती है। उम्मीदवारों को ये नोट करना चाहिए कि अंतिम रूप से ज्वाइनिंग के पहले उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की पोस्टों के लिए कितनी मिलती है सैलरी। ग्रुप डी की पोस्टों के लिए वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार बेसिक वेतन 18,000 से आरंभ होगा। इस बेसिक वेतन के आधार पर ही अन्य भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियां जो आपको ग्रुप डी की पोस्टों पर अप्लाई करने में मदद करेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर